हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम हरे मटर की सब्जी बनाएंगे जो कि बहुत ही यम्मी और स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए कितना यम्मी है, देखने में कितना यम्मी देखने में और कितना स्वादिष्ट खाने में भी है। ये देखिए इस तरह से मटर की सब्जी बनाएंगे, हरे मटर की सब्जी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नए तरीके से, नए डिज़ाइन में हरे मटर की सब्जी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हरे मटर की सब्जी बनाने के लिए हमारा हरा मटर है, यह एक नाइट के लिए सूखा वाला हरा मटर है। छिलका वाला अगर आपके पास है तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन इस मटर को हमने एक नाइट के लिए फुल भिगो के रखा था। भिगो के फिर इसको 5-4 पानी से अच्छे से वॉश कर दिए हैं। चलिए इसका आज हम लोग सब्जी बनाएंगे बिल्कुल ही नया तरीका से, बहुत ही अच्छा यम्मी सब्जी बनता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हरे मटर की सब्जी। देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई रख दिया था, कढ़ाई में ऑयल डाल दिए हैं, कुकिंग ऑयल है, सरसों का तेल है। आप लोग जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं उसमें बना सकते हैं सब्जी, जिसमें भी बनाते हैं। 1 स्पून जीरा, ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा अगर मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं तो, क्योंकि इसमें कुछ स्मेल आ जाता है, अच्छा सब्जी नहीं बनता है। 3 सूखी मिर्ची अच्छे से दोनों को भून लेना है ताकि जीरा का भी पूरा अच्छे से चटक जाए, जीरा भी अच्छे से भुना जाए। देखिए पूरा भुना गया अच्छी तरह से। ये 4 मीडियम साइज के हमने प्याज रखा था, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। प्याज डाल देते हैं, प्याज को थोड़ी देर तक इस तरह से चलाते हुए चला करके भूनना है, बहुत उसका कलर चेंज हो जाता है तब तक के लिए। थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है प्याज को भी। देखिए फ्रेंड्स, प्याज जो था हल्का भुना चुका है, इसमें हम लोगों ने जो मटर को धो के रखा था उसको सारे को डाल देंगे। अच्छे से वॉश कर लीजिएगा 3-4 पानी से, प्याज के साथ साथ मटर भी भुना जाएगा। इसको इसी तरह से चलाएंगे बीच बीच में रुक रुक के। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, 3 से 4 हरी मिर्च, 10 से 12 कलियां लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी इन्हीं के साथ भुना जाएगा, पूरा मटर के साथ अच्छे से भुना जाएगा। फुल फ्लेम पे गैस को रख करके अच्छे से इसको भूनना है थोड़ा सा, क्योंकि आज हम लोग कच्चे मटर से बना रहे हैं, बॉयल करके नहीं बना रहे हैं। बॉयल करके भी बनता है, दो तरीके से भी बनता है, लेकिन आज कच्चे मटर से ही बना रहे हैं, इसलिए इसको भून लेना है इसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन जो हमारा था उसे लहसुन भी अच्छे से भुना चुका है, और लहसुन प्याज सब भून के रेडी हो चुका है। अब इस देखिए इस तरह से आलू को काट लेना है, 3 बड़े साइज का आलू है, इसको हमने इस तरह से टुकड़े में कट कर लिया है। कच्चा आलू ही लेना है, इसको भी इसमें डाल देंगे, इसको भी अच्छे से चला देना है। इसी के साथ हमने 3 बड़े साइज का टमाटर कट कर खाया, ज़्यादा टमाटर नहीं डाले नहीं तो खट्टापन आ जाएगा। इतना टमाटर इसके लिए सफिशियंट है, इतना डालना है क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही निखर के आता है सब्जी में। इसको अच्छे से चला देना है और भून के तैयार करना है इसको, और 2 मिनट तक इसको इसी तरह से गैस पर फुल फ्लेम पर रख के भूनना है ताकि टमाटर और आलू भी अच्छे से भुना जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारे सब्जी पूरा भुना चुका है, आलू लहसुन अदरक लहसुन मिर्चा सबका पेस्ट डाले हम लोग, पूरा अच्छी तरह से भून के तैयार हो चुका है। अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यम्मी लग रहा है देखने में, वाओ क्या यम्मी है। अब इसमें हम लोग नमक हल्दी भी ऐड कर देते हैं इस स्टेप में। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिएगा, कम ज़्यादा जितना खाना पसंद करते हैं उतना ही डालिएगा। मैं 2.5 स्पून दी हूँ हल्दी पाउडर, 2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून इससे सब्जी में कलर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। मिक्स मसाला 4 स्पून मिक्स मसाला है, धनिया काली जीरा काली मिर्च जीरा काली मिर्च धनिया सबका मिक्स है। पाउडर बना करके घर में ही रखते हैं हम लोग, वही यूज करते हैं। आप जो सब्जी खाए जो मसाला खाते हैं वो डालिएगा, जो मसाला आप खाना पसंद करते हैं उसको डालिएगा, उसी के साथ बहुत ही यम्मी सब्जी बनता है।
इस तरह से सभी को दो मिनट तक भूनेंगे ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए, मसाला भी अच्छे से भूनेंगे। इसी तरह से उसको चला करके अच्छे से भूनेंगे दो मिनट तक। देखिए फ्रेंड्स, दो मिनट तक हमने अच्छे से भून लिया, सारा मसाला अच्छे से भुना चुका है, मसाला भून के बिल्कुल रेडी है। अच्छे से सब्जी देखिए पूरा भुना चुका है, अभी देखने में देखिए कितना यम्मी लग रहा है। चलिए अब इसको कुकर में हम डालेंगे, सारे सब्जी को कुकर में डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी सब्जी को हमने कुकर में डाल दिया है और इसमें पानी ऐड करेंगे 1 गिलास। ये कढ़ाई में हमारा मसाला थोड़ा बच गया था, उसमें हमने पानी डाल करके अच्छे से धो दिया है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। अच्छे से सब्जी को चला देते हैं। आपको जितना ग्रेवी रखना है उतना ही पानी डालिएगा, और मटर थोड़ा पानी ले गया इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्वांटिटी में। मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, चावल पानी ज़्यादा डाल रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कलर देखिए कितना सुंदर आया है, 3 गिलास के लगभग मैंने इस गिलास से पानी डाला है, इसमें 3 गिलास पानी। कुकर के गैस को बंद कर देते हैं, कुकर को सॉरी गैस से निकल गया, कुकर को बंद कर देते हैं, कवर लगा देते हैं। इसको फुल फ्लेम पे डालेंगे, इसको 2 सीटी आने तक इसी तरह से फुल पैक रखना है। 2 सीटी के बाद इसका गैस को निकालना बिल्कुल नहीं है, फिर चेक कर लेंगे ठीक से, अगर मटर नहीं पका है तो फिर 1 सीटी लगाएंगे, क्योंकि सबका कुकर अलग अलग का कुकर अलग अलग तरीके का होता है, गैस अलग तरीके का कम ज़्यादा होता है, इसीलिए उस हिसाब से देख करके चेक कर करके फिर बनाएंगे। फिलहाल अभी 2 सीटी लगा करके गैस हम लोग बंद कर देंगे। देखिए फिर 2 सीटी के बाद गैस अपने से हमारा निकल चुका है पूरा, देखिए गैस बिल्कुल नहीं है, चेक कर लेते हैं। वाव क्या कलर आया है, देखिए कितना यम्मी सब्जी बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे तरह से मटर भी जो है हमारा पक चुका है, अच्छे से सब्जी बन करके तैयार है। सब्जी बन करके तैयार है, देखिए खाने के लिए, चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, जितना देखने में सुंदर उतना खाने में भी यम्मी है। देखिए चलिए सर्विंग कर लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, चटपटा सब्जी हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, बहुत ही यम्मी और स्वादिष्ट बना है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी लगता है। इस तरह से जरूर घर में बनाइएगा। हरे मटर की सब्जी बॉयल करके भी बनता है, ये कच्चे हमने कच्चे मटर से ही बनाया है, देखिए कितना यम्मी लग रहा है, देखने में जितना सुंदर है खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। इस तरह से बनाइए मटर का सब्जी, खाइए और इंजॉय लीजिए घर में ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।